हेलो स्टूडेंट्स, वी आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो कल का सेशन था वो सेशन था हमारा नंबर सिस्टम पे। कल हमने HCF और LCM के बारे में पढ़ा था, है ना। इससे पहले हम कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं? दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक नंबर सिस्टम का और दूसरा हमने टॉपिक कवर कर लिया है एवरेज का। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है सिंप्लीफिकेशन, मीन्स सरलीकरण। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। होमवर्क में मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिए थे? 4 क्वेश्चंस, है ना। तो 3 क्वेश्चन जो थे वो तो काफ़ी आसान थे, आपने कर लिए होंगे। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो देखिए क्या है इसमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4। हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको छोटा से छोटा, स्मॉलेस्ट का क्या मतलब होता है कि छोटा सा छोटा एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है 3 डिजिट का। कितने डिजिट का? 3 संख्यों की आपको छोटी से छोटी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 2, 3 और 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो करना क्या है हमें कि हमें 2, 3 और 4 का क्या ले लेना है? LCM, ठीक है। 2, 3 और 4 का हमने LCM ले लिया। जब हमने 2, 3, 4 का LCM लिया तो वो कुछ इस तरह से आया हमारे पास। थ्री से कर दिया, ठीक है। 2, 3 और 2, 2 जो 4, एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया है हमारा 12। 12 क्या है हमारे पास? 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 12 तो 2, 3 और 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक 3 डिजिट का ऐसा छोटा से छोटा नंबर चाहिए, है ना। 3 डिजिट की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो 2, 3 और 4 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100। 100 से छोटी 99, वो 2 डिजिट की होगी। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारे पास? ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारे पास? 100। अब आपने देखा कि क्या 100 जो वो 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब 100 जो है 3 डिजिट की वो संख्या नहीं है जो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब हमें संख्या कैसे निकालनी है? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं? आपने क्या करना है कि 100 से इस एलसीएम को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना, ठीक है। इस एलसीएम को जब आप 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 देखिए, जब 100 को आप डिवाइड करोगे किससे? 12 से। 12 से जब आपने 100 को डिवाइड किया तो 12 12 8 96, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4। अब आपने ये चीज और ये 100, इसको कैसे करना है कि आपने क्या करना कि 100 में प्लस कर देना है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कैसे आएगा इनका? 12 माइनस 4, ठीक है। ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो क्या आ जाएगा ये 100 प्लस 12 माइनस 4 कितने होते हैं हमारे पास? 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 108। बोलने का क्या मतलब है कि 108 एक ऐसी छोटी से छोटी 3 डिजिट की संख्या है जो 2, 3 और 4 तीनों से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। ये सबसे छोटी से छोटी है। अब सपोज आपको एग्जामिनर जो है स्मॉलेस्ट की जगह क्या बोल दे कि आपने क्या ढूंढनी है? ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट की जगह क्या दे दे आपको? ग्रेटेस्ट। तब आपने क्वेश्चन को कैसे करना है? अब देखिए 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999, ठीक है। 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ी कौन सी है? 999। इसके बाद क्या जाता है? 1000। 1000 में कितने डिजिट आ गए? 4 डिजिट। तो ये आ गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको आपने 12 से क्या कर देना है? डिवाइड करना है। 12 8 96, है ना। डिवाइड करने तो आता ही है सबको। 12 3 36, रिमाइंडर कितना बच गया है? 3। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है कि इस रिमाइंडर को, ठीक है, ये जो 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या है उससे क्या कर देना है? इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जब स्मॉलेस्ट की बात आई तो हमने क्या किया था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर था उसमें ऐड किया था इनके डिफरेंस को। इसमें कुछ नहीं करना आपने, इसमें जो
ग्रेटेस्ट नंबर है उसको आपने क्या कर देना है, रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आया, 996। ठीक है, तो थ्री डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो कितनी आई, 108, और ग्रेटेस्ट कितनी आ गई, 996। ठीक है, तो इसमें आपने दो क्वेश्चन कवर कर लिए कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है तो आपने ये इस तरीके से करना है। स्मॉलेस्ट आता है तो इससे पहले जो हमने तरीका सीखा उस तरीके से करना है, और अगर ग्रेटेस्ट आता है तो इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट आज का हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि आपने क्या करना है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा है ना, बहुत सारे आपके पास क्या दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, कुछ भी उनको ऐड किया होगा या प्लस किया होगा, भाग किया होगा, कुछ भी किया होगा, तो आपने क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको बोर्ड मास का पता होना चाहिए। ठीक है, जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बोर्ड मास का पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या चीज़ है। बोर्ड मास जो आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देंगे है ना, कुछ लोगों को भूल गया होगा। बोर्ड मास में इस बी का क्या मतलब है, बार। ठीक है, बार। सपोज आपके पास कोई नंबर है वो इस फॉर्म में दिया है, 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 6, और आपने क्या, एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि इसके ऊपर बोर लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है कि पहले जो है 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो बोर जो है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको बोर दिख जाती है तो बोर जो है सबसे पहले सॉल्व होती है। उसके बाद आता है बी, बी में आती है हमारे पास ब्रैकेट। बी में क्या आती है हमारे पास, ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमारे पास तीन तरह की ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, तीन तरह की ब्रैकेट्स आती हैं, एक आती है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट जो सबसे पहले सॉल्व होगी, उसके बाद एक मीडियम ब्रैकेट आती है इस तरह की। ठीक है, वो उसके बाद, और सबसे जो बड़ी वाली ब्रैकेट आती है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होगी। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बार, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद है ओ, ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्व होता है, ऑफ। सपोज आपको ऐसे आ गया कि 5 ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 6 और 3 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने इस ऑफ को पहले जो क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस ऑफ को आपने पहले सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है डी से डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद डिवीजन जो वो सॉल्व होगी है ना, भाग वाली संख्या जो है वो ऑफ के बाद सॉल्व होगी। उसके बाद भाग के बाद आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। ये चीज़ें आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी हैं, यहाँ पे तो सिर्फ आपका क्या हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफ में करेंगे, जल्दी में करेंगे। नेक्स्ट ए से क्या आता है हमारे पास, एडिशन। ठीक है, ए से क्या आ गया, एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या चीज़ सॉल्व होती है, सब्ट्रैक्शन, है ना, समझ आ गया। अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ वाली टर्म, फिर डिवाइड वाली, फिर मल्टीप्लीकेशन वाली, फिर एडिशन वाली, और फिर सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए एक बार आप, डन। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक बोर्ड मास से रिलेटेड, कि इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि बोर्ड मास जो है कैसे यूज़ करना है, बोर्ड मास कैसे यूज़ करना है। आपने देखा कि यहाँ पे एक 625 माइनस 425 है, तो इसमें क्या है कि बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले एडिशन सॉल्व होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। लेकिन एक बात आपने क्या ध्यान में रखनी है कि सब्ट्रैक्शन तो बेशक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऊपर क्या है, बार दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बार वाली टर्म सॉल्व होगी, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम। 625 में से 425 गए, कितने रहते हैं, 5 माइनस 5 0। ठीक है, वंस प्लेस से वंस प्लेस को हमने माइनस किया, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, 200 आ गया, प्लस में क्या आ गया आपके पास, 25, और ये क्या आपकी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, प्लस में 50 है ना, तो 50 के बाद क्या सॉल्व हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक डिवीज़न है, एक क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीज़न है, एक मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, डिवीज़न। तो डिवीज़न क्या किया आपने, 10 को डिवाइड कर दिया 50 से, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 3, समझ गए। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि 10 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जिनको बोर्ड मास रूल का पता नहीं है
वो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 30 आ जाएगा, फिर 30 को 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखिए इस ब्रैकेट को कैसे ख़त्म करते हैं हम, इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 225 आ गया। अब जैसे ही एक संख्या आ गई है ना, सिंगल जो नंबर आ गया, तो ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब आपने क्या किया, जीरो से जीरो कट गई, तो क्या बचा आपके पास, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब आपने ध्यान रखना है कि इसको जो है वो ऐड नहीं कर देना है आपने, कि सीक्वेंस में चल रहे हो आप, 225 में 5 को ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि एडिशन से पहले क्या होती है बोर्ड मास में, मल्टीप्लिकेशन, तो पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 225 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 225 प्लस 15 240, ठीक है। तो ये तरीका होता है ये बोर्ड मास को अप्लाई करने का, किसी क्वेश्चन में कोई सिंपलीफिकेशन का आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें बोर्ड मास रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास कुछ और जो हम डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बी बोर्ड मास रूल जो है पता है तो आप उन क्वेश्चन को भी मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी हैं, ये आपका सिंपली क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है ना। जिन स्टूडेंट्स को मतलब जो भूल गए हैं कि कैसे हमने इन चीज़ों को अप्लाई करना है, ये सेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है ना, जिनको पता है कि बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करते हैं, और जिनको लगता है कि हमारी वीडियो जो थोड़ी सी स्लो है ना, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए आप, है ना, यूट्यूब वीडियोज़ पे ऊपर देखना, ऐसे 3 डॉट्स लगे होंगे, ठीक है, 3 डॉट्स लगे होंगे, 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। नीचे देखिए आप प्लेबैक जो क्या होगा आपके पास, प्ले सेटिंग, ठीक है, प्ले सेटिंग होगी, वीडियो प्ले सेटिंग, उसमें जाना है आपने, वहाँ पे स्पीड को जो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, है ना, नॉर्मल स्पीड से, जिनको लगता है कि लेक्चर स्लो है वो स्पीड को इंक्रीज़ कर दीजिए, है ना, तो लेक्चर की स्पीड क्या थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिनको लगता है कि लेक्चर फास्ट है वो स्पीड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि एडिशन से पहले क्या सॉल्व होता है हमारा, ऑफ। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये है कि इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिख लिया आपने, प्लस में क्या किया, 140 मल्टीप्लाई बाय 3/7, ऐसे करके लिख लिया आपने, काट दीजिए, 5 × 5 = 11 × 7 = 20, कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 7 = 77, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, ऐड नहीं कर देना 20 से, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, 20 × 3 = 60, आंसर आ गया आपका 713, है ना, 7 × 0 = 7 × 7 = 6 = 13, 137 जो आपका क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या चीज़ होती है, मतलब इसमें आपको क्या लेनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। जिसको हिंदी में जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है उनके लिए क्या होगा कि आसन संख्या जो होती है, ऐसे उन्होंने ऐसे पढ़ा होगा, आसन संख्याएं, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में क्या है कि आपने देखा यहाँ पे क्या है, 820.01 है, ठीक है, तो इसको आपने सिंपली क्या कर लेना, 820 लिख लेना, ठीक है, 0.1 को जाए पॉइंट से आगे तो 0.1 है, उसको क्या कर देना आपने, नेगलेक्ट कर लेना है। इसकी आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेनी है ना, इसके आसपास की जो सबसे नज़दीक के आसपास की वैल्यू होगी, कंप्लीट इंटीजर, तो 820 के आसपास की वैल्यू कौन सी है, 820 माइनस कर दिया आपने 221, ठीक है। अब आपके पास क्या, 2.99 की बस अगर आप बजाय जो आप यहाँ पे क्या लिख दें, 3 लिख दो, है ना, 2.99 के पास कौन सी संख्या है, हमारे पास 3 है ना, नेक्स्ट प्लस x इक्वल टू 240, ये बन गया आपके पास अब कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने क्या ले लिया, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लिए, अब आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना इसमें, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 820 माइनस
थ्री वन ज़ा थ्री, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है, प्लस में क्या आपके पास एक्स है और इक्वल टू 240, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, 820 में से किसको माइनस कर रहे हैं हम, 663 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पास 7, 11 से 6 गए 5 और 7 से 6 गए 1, 157 आ गया आपका, 10 से 3 गए 7, नेक्स्ट 11 से 6 गए 5, 7 से 6 गए 1, ठीक है, 100 कितना आ गया आपके पास 57 प्लस x इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x को हमने इस तरफ रहने दिया और 157 को हम इस तरफ ले गए, ठीक है, x को हमने इस साइड रहने दिया और इसको हम दूसरी साइड ले गए, सॉल्व करिए, 240 माइनस 157, 10 में से 7 गए 3, 9 सॉरी 8, 9 9, 240 माइनस 11 में से 6 गए 5, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 93, तो ऑप्शन आपका ये बी ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा 93, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो इन इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे टैकल करना है। आपने देखा कि 2 की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एग्जामिनर के पूछता है कि 2 रेज टू पावर 2342 को डिवाइड करना है आपने किससे, 9 से, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इतनी बड़ी रेज टू पावर दे दी है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। सपोज आपने क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, कि अगर यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, अगर इवन नंबर है, अगर यूनिट डिजिट में इवन नंबर है तो आपने 2 की पावर्स कैसे लेनी है, 2 रेज्ड पावर 2, 2 रेज्ड पावर 4, 2 रेज्ड पावर 6, है ना, इस तरह से ले सकते हो आप 2 की पावर्स को। वहीं अगर यूनिट डिजिट आपका ओड नंबर है ना, जो ये इकाई का अंक दिख रहा है ना आपको, अगर वही ये ओड नंबर है फिर आपने कैसे करना है कि 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 5, ऐसे चलना है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा कि 2 रेज टू पावर क्या है 2342, 2 क्या है कि इवन वैल्यू है, अब आपने क्या किया 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 कर दिया, क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब 4 जो वो 9 से क्या होता है, डिवाइड नहीं होता, क्यों, क्योंकि 4 जो है छोटा है, 9 क्या है बड़ा है, नहीं लिया हमने इसे आगे वाला ले लिया, 2 रेज टू पावर 3 को कर दो आप 9 से, तो 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 2 टू 4 8, 8 से आपने डिवाइड कर दिया 9, हुआ नहीं हुआ, 8 फिर छोटा है 9 फिर बड़ा है, ये भी नहीं होगा। अब आपने आगे क्या किया कि 2 रेज टू पावर 4 कर दिया, ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 को आपने 9 से क्या करना है डिवाइड करना है, 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है आपके पास 16 और 9, अब 16 बड़ा है 9 छोटा है, इसका क्या मतलब है कि अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपने क्या करना है 16 को जब आपने 9 से डिवाइड करना है तो 9 वन ज़ा 9 और रिमाइंडर कितना बचा 7, तो ये 7 जो है ये आपके पास राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, इस तरह से करना है जो मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है, घबराना नहीं आपने कि इतनी सारी जो पावर दे दी है तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन को करने का मतलब, ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जामिनर देता है तो आपने ये समझ लेना कि हाँ कोई ना कोई ट्रिक काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक काम करता है कि आपने क्या देख लिया कि पावर इवन है तो आप इस तरह से चल पड़े। नेक्स्ट देखिए, अब आपको और अच्छे से समझ आएगा, नेक्स्ट क्या है, अब पावर क्या है हमारे पास ओड है, पावर क्या है हमारे पास ओड है, लेकिन पावर किसकी है 35 की, तो मैंने आपको कहा था कि जब पावर ओड होती तो कैसे चलते हम 1, 3, 5, है ना, इस तरह से पावर्स लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 35 की पावर 1 ले लेंगे, 35 की पावर जब हमने 1 ली और उसको हम क्या करना है डिवाइड कर दिया किससे 8 से, 8 से डिवाइड कर दिया,
अब आपने देखा कि 35 बड़ा है, 8 छोटा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करिए डिवाइड भाई। 35 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 वन ज़ा 8, 8 फोर ज़ा 32। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया? 3। ये जो रिमाइंडर 3 बच गया, यही आपका क्या है? आंसर है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब पावर 2 हो तो कैसे क्वेश्चन को करना है, जब पावर 3 हो तो किस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बेस का ध्यान रखना है बस आपने सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपने क्या करना है कि ये संख्या दी है आपको, ये देखिए है ना, आपने देखा कि 114 का रेज टू पावर 4 दे दिए, पावर यहाँ 4 दे दिए, इस नंबर की पावर 9 दे दिए, इसकी 5 दे दिए, है ना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया है एग्जामिनर ने? इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसलिए दिया है क्योंकि इसमें कोई ना कोई ट्रिक तो लगेगी। ठीक है, अब देखिए कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है कि आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट कौन सा होता है ना, सपोज कुछ भी इसका आंसर आ गया, जैसे 3, 5, 2, 7, 9, 5, कुछ भी आंसर आ गया, सपोज आपने इसको सॉल्व किया, आपका कुछ भी आंसर आ गया, लेकिन आपको मतलब किससे है? सिर्फ यूनिट डिजिट से। ठीक है, जब आपको मतलब ही यूनिट डिजिट से है तो आपको बाकी अंकों से क्या लेना है? तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट ही फाइंड आउट कीजिए ना। तो कैसे हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखते हैं अब। ठीक है, ये कितना है? 4 रेज़ टू पावर 4, आपने यहाँ यूनिट डिजिट उठा लेने इसके। ठीक है, तीनों के क्या करने हैं आपने? यूनिट डिजिट उठा लेने। 4 रेज़ टू पावर 4 उठा लिया आपने यूनिट डिजिट। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर 9 उठा लिया आपने यूनिट डिजिट। नेक्स्ट, 2 रेज़ टू पावर 5 उठा लिया आपने यूनिट डिजिट। ठीक है, उठा लिया। अब देखिए 4 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा? 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 16, 4 थ्री ज़ा सॉरी 4 फोर ज़ा 16, एंड ऐसे आएगा ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 फोर ज़ा 16, 4 फोर ज़ा 16। अब फिर से यूनिट डिजिट देखिए, 6 और 6, 6 6 सेकेंड होते हैं 36। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास? 6। 6 यूनिट डिजिट को आपने यहाँ पे लिख लिया कि इसको जब आपने सॉल्व किया तो यूनिट डिजिट क्या आया आपके पास? 6। 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। लेकिन हमें 32 थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टू ज़ा 12, 12 आ गया। अब फिर हमको क्या चाहिए? सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो बोलने का क्या मतलब है कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके पास? 2। समझ आ गया? समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें ये समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, कि कोई दशमलव वाली आपके वैल्यू है या फ्रैक्शन भिन्न संख्या है कोई, तो उसका जो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, है ना, ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ब्रीफ समझेंगे, है ना, जिनको मतलब जो भूल चुके हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एडिशन देखते हैं पहले हम। एडिशन ऑफ जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जितनी भी डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं हम। सपोज आपके पास नंबर्स दिए हैं 3.735 + 73.53 + 0.75, इस तरह के आपको नंबर दे दिए और आपको बोला है कि आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो एडिशन की जब बात आती है या जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो आपने हमेशा क्या करना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना है। 3 नंबर्स हैं, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल। अब देखिए डेसिमल के इस तरफ कौन सी संख्या है ना, लेफ्ट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड आपने ऐसे चलना है, 3 लिख दिया। नेक्स्ट देखिए वंस प्लेस के नीचे, वंस प्लेस, टेंस प्लेस को आपने क्या कर दिया? साइड में लिख दिया। यहाँ पे डेसिमल के पीछे क्या है? 0 है, तो आपने सिंपल 0 लिख दिया। अब आपने देखना है कि डेसिमल के आगे कौन से नंबर्स है। 735 ये डेसिमल के आगे वाला नंबर है, नेक्स्ट 53 है ना, नेक्स्ट 75।
ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं। पर आपने क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। फाइव का फाइव, यहाँ पे आप ज़ीरो ज़ीरो भी लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फाइव का फाइव, थ्री एंड थ्री सिक्स, सिक्स एंड फाइव इलेवन, वन कैरी में चला गया। सेवन एंड फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट ट्वेंटी, टू कैरी में चला गया। थ्री एंड थ्री सिक्स, सिक्स और टू एट, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो आंसर में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट कितना आया था आपका, एट, ये आपका आंसर आ गया 78.015। इस तरह से आपने क्या करना है कि डेसिमल्स की एडिशन करनी है। वहीं अगर आपको फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है, ठीक है, एडिशन करनी है आपको किसकी, फ्रैक्शन वैल्यूज की, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन वैल्यू की जब आपको एडिशन करनी है तो कैसे करनी है। सपोज आपके पास नंबर हैं 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5, है ना, कुछ भी इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है। अब आपने क्या करना है कि जो इसकी डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का क्या कर देना, आपने एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट लेक्चर में, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट कैसे सॉल्व करते हैं हम, कि 10 को आपने यहाँ पे लिख लिया और ठीक है 5 को इससे डिवाइड कर दिया, 7 टू 14, आगे भी आपने वैसे ही करना है। 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 6 जा 6, 5 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 8 जा 16, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 14 एंड 6 20, 36 बाय 100, ठीक है, सॉरी 10, 36 बाय 10, इसको आप फर्दर सॉल्व आउट कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करनी है, आपने ऐसे ही करनी है, सब्ट्रैक्शन भी आपने ऐसे ही करनी है, बस सिर्फ आपने क्या करना है कि एडिशन की जगह क्या होगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमको डेसिमल वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू की हमें क्या है मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और डेसिमल वैल्यूज की हमें डिवीजन कैसे करनी है। कि हम डेसिमल वैल्यू को डिवाइड कैसे करते हैं और डेसिमल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक ही एग्जांपल लेंगे हम। सपोज आपके पास एग्जांपल है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.025, ये आपके पास कोई भी नंबर है, एक नंबर आपके पास यहाँ पे है, यही नंबर है कि 0.025 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, कन्फ्यूज़न होती है सिर्फ डेसिमल में, कि जब आपके पास इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें हमें डेसिमल कहाँ पे लगाना है। तो मल्टीप्लीकेशन में सीखिए 25 5 125, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होती है कि सर हमें डेसिमल लगाना कहाँ पे है, सर हमें दशमलव लगाना कहाँ पे है, तो जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, याद रखिए किस चीज़ की, मल्टीप्लिकेशन की, जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की तो आपने देखना है कि डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं, डेसिमल के आगे एक नंबर, डेसिमल के आगे दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है कि एक ये है तीन ये है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, आपने क्या कर देना है कि यहाँ भी डेसिमल कितने नंबर के बाद लगाना है, 4, 1 2, नंबर तो हमारे पास 3 है, तो 4 के लिए आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 0 लगा देना है, फिर यहाँ पे डेसिमल, और ये आ गई आपकी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। अब जब डिवीज़न की बात करते हैं हम, डिवीज़न की बात, तो डिवीज़न में देखिए कैसे करना है आपने, 0.25 है ना ये, मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। आंसर तो क्या आ गया कि आपने 5 से 25 को डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 5, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अब डेसिमल कहाँ पे लगाना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा आपने कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स हैं उसका हमने क्या लगा दिया, जैसे यहाँ पे 4 थे तो हमने क्या कर दिया, 4 के पीछे डेसिमल लगा दिया। लेकिन डिवीज़न के केस में हम क्या करेंगे, डिवीज़न के केस में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे देखना है इस नंबर को, ठीक है, जहाँ पे डेसिमल के आगे ज़्यादा अंक हैं, है ना, डेसिमल के आगे ज़्यादा डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, यहाँ डेसिमल के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1, तो आपने क्या कर देना है 3 से 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं इतना
डेसिमल के आगे थ्री है और वन, थ्री और वन फोर, तो आपने फोर के बाद डेसिमल लगा दिया। एडिशन के केस में क्या करना है कि थ्री और वन को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ थ्री है यहाँ वन है टू, तो डेसिमल कहाँ पर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, टू के बाद डेसिमल लगेगा, समझ गए। या जो डिवीज़न को करने का एक और तरीका होता है, जैसे ये किया था हमने 0.025 है ना, डिवीज़न का समझना है तो 0.5, 0.5 के आगे कितने नंबर्स हैं, पॉइंट के आगे थ्री नंबर्स, इसको आपने कैसे लिख देना एक्सपेंड करके, 125 बटे 1000, ठीक है, डेसिमल के आगे थ्री डिजिट्स, थ्री जीरोस। नेक्स्ट आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल भी हटाना है, फाइव यहाँ पे लिख दिया, एक डेसिमल हटा तो ऊपर क्या चला गया आपके पास, 10, डिवाइड कर दिया आपने, 25 आ गया, 25 बटा 100, 25 बटा क्या आ गया आपके पास 100, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी, अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पे ज़ीरो है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो है ना, तो इसको 25 ही आएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ज़ीरो है ना, 0.25 है तो यहाँ पे 125 नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल 25 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 25 नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, 5/100 आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या कर देना है, 0.05, ये भी एक तरीका होता है डिवीज़न को करने का। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, कि डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कि आपके पास ये क्वेश्चन दिया है और आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे आपने जो डेसिमल वाला तरीका सीखा वो तरीका भी लगाना है, और साथ ही साथ हमने जो बोर्ड मास का रूल सीखा वो रूल भी जो है यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड किया आपने, क्या आया, साइड में ऐड कर लीजिए, 8016.34, नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, 106.90, ठीक है, ऐड कर दिया इनको, 9 and 3 12, 6 and 6 12 and 1 13, 2 1 और 8, ये आ गया आपके पास 8123.24। अब देखिए ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू के हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐड कीजिए, 2006.85, 131, मैंने बोला था डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, 428, ठीक है, जो हमने सीखा है अभी पीछे उसको अप्लाई करना है सिर्फ इस क्वेश्चन में। 8 का 8 5 और 2 7 8 और 4 12, 1 चला गया ऊपर, 6 1 7 1, 8 3 का 3 1, ये आ गया आपके पास 2138.278। अब आपने क्या कर देना है कि इन दोनों को, इसका क्या आ गया, इन दोनों को करके हमारे पास आ गया 8123.24, ठीक है, और माइनस में क्या आ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू है ना, इन दोनों को जब आपने माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, ये आ गया आपके पास 2138.278। अब देखिए डेसिमल में हमने एडिशन तो हमने पीछे पढ़ी, लेकिन डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम 8123.24, नेक्स्ट क्या है आपके पास 2138.278, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ज़ीरो लगा दिया आपने, 10 माइनस 8 2, ठीक करें ना, 10 माइनस 8 2, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा था, 3 बचा था, 13 माइनस 7 6, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था, 1, 11 माइनस 2 9, ओके, यहाँ पे क्या बचा था, 2, 12 माइनस 8 4, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था, 1, 11 माइनस 3, यहाँ पे 11 बन गया ना, 11 माइनस 3 8, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था, 0,
टेन माइनस वन नाइन और सेवन माइनस टू फाइव, आंसर आ गया आपके पास 5984.962। ऑप्शन में कहाँ है 5984.962, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करने हैं आपने डेसिमल एडिशन और डेसिमल सब्ट्रैक्शन। आगे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है डेसिमल में भी वैल्यूज़, ठीक है, साथ ही साथ क्या मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है ना, और सब्ट्रैक्शन भी है, साथ ही साथ आपने इसमें बोर्ड मास रूल भी अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम इस तरह के क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या 0.56 लिख लिया आपने, सबसे पहले क्या होगा डिवीज़न है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवीज़न हो रहा है पहले, 3/6 हो गया डिवीज़न। नेक्स्ट क्या किया प्लस में, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 2.34 × 5 −56.372, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 0.5, ठीक है। अब क्या करना है आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 0.56 और 0.5 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में क्या हुआ 6 5 = 30, 6 5 = 30, 3 चला गया कैरी में, 5 5 = 25, 25 + 3 = 28, क्या आ गया आपके पास 280। अब आपने देखना है डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 1, 2 और 3, तीन नंबर के बाद 1, 2, 3 यहाँ पे लगेगा डेसिमल, समझ गए। नेक्स्ट फिर से मल्टीप्लाई किया, 5 4 = 20, 2 कैरी में आ गया, 5 3 = 15, 17, 5 2 = 10 और 1 11, डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 and 2, यहाँ डेसिमल नहीं है तो 1 and 2, दो नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 and 2 यहाँ पे डेसिमल लग गया, ठीक है। नेक्स्ट तो वही है, अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिंपल क्या करना है, अब आपने इसको प्लस और माइनस करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इससे माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने खुद करनी है, इसका आंसर जो आएगा ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा आपके पास 44.392, है ना। इतना काम तो आप खुद कर सकते हो ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये करने की ज़रूरत तो नहीं मुझे, तो आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, है ना, तो इनको आपने ऐसे सॉल्व नहीं लग पड़ना करने की, जैसे 7 2 = 14 15 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अगर ये जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे हम। ये वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, इनको आपने क्या कर देना है अलग से ले लेना है, और जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं इनको अलग से ले लेना है, ठीक है। जैसे इंटीजर में क्या आपके पास 7, नेक्स्ट साइन क्या है +3, नेक्स्ट क्या है +1, नेक्स्ट क्या है -3, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को आपने अलग से ले लिया, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको आपने अलग से ले लिया। फ्रैक्शन वैल्यू में क्या है 1/2 + 3/4 + 5/4 - 3/8, इस तरह से आपने क्या कर लिया फ्रैक्शन वैल्यूज़ को लिख लिया। अब फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ में हम क्या कर लेते हैं, इनका क्या ले लेते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इन चारों नंबर्स का एलसीएम क्या आएगा 8, बाकी एलसीएम सॉल्व करने आपको आता है 4, ठीक है। 8 को क्या करना है 2 से डिवाइड कर दिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 2 से डिवाइड किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4, 8 को डिवाइड किया 4 से कितना आया 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6, 8 को डिवाइड किया 4 से 10, ठीक है। अब आगे क्या हमारे पास माइनस की टर्म है, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 1 3 = 3, ठीक है। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इनको सॉल्व कीजिए पहले, 7 + 3 = 10, 10 और 1 = 11, 11 - 3 = 8, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 6 and 4 = 10, 10 and 10 = 20, 20 - 3 = 17/8। अब आप देखिए कि 17/8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये जो 17/8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इस 17/8 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 1/8 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, 8 2 = 16, 16 और 1 = 17, 8 2 =
16, 16 और 1 17, 17 बाई 8 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 रेज टू पावर 1 बाई 8 इस फॉर्म में क्या लिख दिया हमने, लिख दिया इसको। अब आपने क्या करना है कि इस 8 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस 8 और 2 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 8 और 2 10 रेज टू पावर 1 बाई 8, ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफाई, समझ गए, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको सिंप्लीफाई करने का। तो आपके पास आंसर जो सी है वो आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं एल्जेब्रा में, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज जो सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होते हैं। कई बार आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दिया घुमा फिरा के उन्होंने, ठीक है, जहाँ पे एल्जेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज को लगा के आप उन क्वेश्चन को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो वो फॉर्मूलाज जो हैं वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलाज को आपने साथ साथ लिखते रहना है। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है, डन। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूलाज आते हैं, डन, नो डन हो गए, नेक्स्ट हम और फॉर्मूलाज को देखेंगे। नेक्स्ट अब आपने जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था हमने, और ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं हम, तो उनको क्या कर देना आपने, ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे आपका फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 4ab, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को क्या करना है आपने, याद रखना है, कितने हो गए, 5 हो गए। नेक्स्ट, ये तो हो गए स्क्वेयर्स के फॉर्मूलाज, नेक्स्ट आपने क्यूब्स के, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, या इसको आप जो है दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और शॉर्ट करके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी को क्या कर लेना आपने, कॉमन ले लेना है, 3 ए बी को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास, ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूलाज क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया आपके पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, नोट डाउन कर लिया आपने, ओके। नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल क्यूब, होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और नेक्स्ट ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना, वही अब माइनस में देखेंगे हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आता है आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ एल्जेब्रा के फॉर्मूलाज होते हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में कई बार अप्लाई होते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर नॉर्मल तरीके से आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे उन क्वेश्चंस को, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको सिंप्लीफाई करने का, है ना। तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस क्यों देता है,
ताकि वो देखना चाहता है क्या स्टूडेंट जो है वो उनके अंदर की ट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन में ट्रिक्स क्या होते हैं कि उन क्वेश्चन में उन्होंने कुछ एल्जेब्रा के फॉर्मूलाज यूज़ किए होते हैं, है ना, या उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आपने एल्जेब्रा के इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके। अब जो हमारा कल का नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना, क्वेश्चन देखेंगे हम उसमें कि क्वेश्चन में किस तरह से इन फॉर्मूलाज को यूज़ किया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है, और आज के सेशन के लिए, आज का सेशन ख़त्म करने से पहले ये कुछ तीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन तीन क्वेश्चंस में ये जो पहले वाले दो क्वेश्चन हैं यहाँ एल्जेब्रा के फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपने खुद से ट्राई करना है कि जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं पीछे अप्लाई कीजिए आप इन दोनों में, है ना, इन दोनों क्वेश्चन में आप क्या कीजिए उन फॉर्मूलाज को अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो आप बोर्ड मास रूल से कर सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो क्योंकि आपने क्या करना है इसमें डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या क्या कीजिए आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार। डन, तो ठीक है स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक है। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं कि ज़रूरी नहीं है, है ना, कि हम आपके कि वही एग्ज़ाम में आए, है ना, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन जो हम एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपने घर में खुद से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो एक अरिहंत पब्लिकेशन की, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन की ऋचा अग्रवाल की लिखी हुई बुक है एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित, है ना, वहाँ से क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो। जिन्होंने इंग्लिश में मैथ पढ़ा है डॉक्टर आर एस अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की एक बुक है मैथमेटिक्स की एस चांद की, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का सेशन यहीं तक है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने हमारे पहले के सेशंस नहीं देखे हैं वो सेशन भी इनसे रिलेटेड है, ठीक है, वो पहले उन वीडियोज़ को देखें। नेक्स्ट कि आप अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट मिलेंगे हम दोबारा फिर से सिंप्लीफिकेशन के कुछ और ट्रिक्स के साथ। ये सिंप्लीफिकेशन का आज का हमारा फर्स्ट सेशन था, दो सेशन और होंगे सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास, उसमें हम कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।